हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम आपके लिए फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज आपका टॉपिक होगा विटामिन। विटामिन क्या है, विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन कौन से विटामिन की वजह से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, क्या खाने से हमें कौन से विटामिन प्राप्त होता है, एंड कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा, इससे बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो इन सभी की जानकारियां आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी इस वीडियो को जरूर देखें एंड एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल, ठीक है, बैंकिंग सीडीएस एनडीए एनआरआरबी, ठीक है, एनटीपीसी, तो इस तरह के एग्जाम में विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो जैसा कि आज आपका टॉपिक है विटामिन, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले विटामिन की खोज के बारे में कि वो महान वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने विटामिन की खोज की, ठीक है, तो उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो विटामिन की खोज हुई थी, ठीक है, 1912 में सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग कैशमर फंक द्वारा भोजन के कुछ पोषक तत्वों के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि नॉर्मली अगर क्वेश्चन मतलब पूछते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो आप नॉर्मल से बता सकते हैं कि विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने पोषक तत्वों भी की थी। ओके, उसके बाद जो कैशमर फंक जी थे वो विटामिन के नेमिंग के लिए पोलैंड के बायोकेमिस्ट कैशमर फंक ने 1912 में विटामिन का नाम विटल एमिन्स रखा था, जिसके बाद वो शॉर्ट करके विटामिन नाम कर दिए थे। इस तरीके से विटामिन को विटामिन नाम, मतलब कि विटल एमिन्स को विटामिन नाम पड़ गया, ठीक है। और विटामिन में नाइट्रोजन एंड नहीं पाए जाते हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट्स होते हैं जिसका फार्मूला N होता है और इसका अनुक्रमांक तत्व, मतलब कि अनुक्रमांक तत्व है वो 7 होता है, तो विटामिन्स में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और इसी कारण से सभी विटामिन्स एमिनेस, ठीक है, नहीं होते हैं, जिसके चलते विटामिन्स को विटामिन लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको बता दिया जा रहा है कि जो हमारा विटामिन होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, जैसा कि एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो फ्रेंड्स, 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, आपको बता दिया गया। तो चलिए विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है फ्रेंड्स, कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए डी ई के होते हैं। एक बात आपको बता दूं कि विटामिन जो पूरा टोटल होता है वो 13 होते हैं, ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी, चलिए देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होता है, बी और सी। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि विटामिन वसा वाले ए डी ए के, ठीक है, और जल वाले बी और सी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, B12, ठीक है, B12 में कोबाल्ट एलिमेंट्स पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एनीमिया किस विटामिन से ठीक होता है, विटामिन B12। B12 की कमी से हमें क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो एनीमिया जो होता है वो B12 की अधिकता से, मतलब जो हमारे बॉडी में विटामिन B12 होगा तो हमें कभी भी एनीमिया रोग नहीं होगा, और विटामिन B12 की कमी से हमें एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग
होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। ओके फ्रेंड्स, तो विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ मैंने आपको क्वेश्चन बताया जो विटामिन के बारे में थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे विटामिन से। अब देखिए, आपको एक चीज बताया जा रहा है कि विटामिन के केमिकल्स नेम, विटामिन के जो केमिकल्स नेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। देखिए, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम, एक केमिकल नेम है रेटिनो। ओके, दूसरा विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन। तीसरा विटामिन बी थ्री का नाम है नेशिन निशे। फोर्थ विटामिन बी फाइव का क्या नाम है, पैंथोनिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी का नाम है एस्कर्बिक। विटामिन डी का है कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। एंड विटामिन के का है नेफ्थोकिनोन। एंड विटामिन बी टू का है नीबोफ्लाविन। एंड विटामिन बी सेवन का है बायोटीन। विटामिन बी नाइन का है फोलिक एसिड। और विटामिन ट्वेल्व का क्या है, साइनोकोबालमिन, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, विटामिन के सारे केमिकल्स नेम हैं। और आपको एक चीज बता दें, एक इजली, ठीक है, जैसे कि मैंने एक ट्रिक बताया था, रथ एक टॉफी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगी जो विटामिन के ट्रिक्स में, मतलब विटामिन के जो केमिकल नेम है उनके ट्रिक्स कैसे याद करने हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि विटामिन के रासायनिक नाम आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये चीज़ें आप हमेशा कंफ्यूज होते हो। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाऊंगी जो विटामिन के याद करने का बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। तो नॉर्मली सिंपल सा आपको याद करना है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रखिए कि रथ एक टॉफी है। बाकी अगर आपके पास माइंड है तो आप ज़रूर बना कर दिखाइएगा, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपने बना लिया, और नहीं तो मैं आपको विटामिन के ट्रिक जरूर बताऊंगी, उसके केमिकल नेम याद करने का आसानी से तरीका। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे मिलते हैं हम आपको। चलिए फिर से, ओके, थैंक यू।